हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? स्वागत है दोस्तों मेरे नए ब्लॉग में। चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। जैसे कि गाइस, अभी मैं अपने बिस्तर पे हूँ और अभी नाश्ता करूँगा, और भाई लोग खाना बना रहे थे नाश्ता, तो अभी मैं भी जाके नाश्ता बनाता हूँ। जाए के साथ परांठे, वो परांठे नहीं ना खाते हैं इसलिए। तो चलिए गाइस, अभी मैं मुँह हाथ धो लेता हूँ, थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ, तो मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो गाइस, अभी मैंने अपना खाना बना लिया है दोपहर के लिए, क्योंकि सुबह 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 खाना नहीं बना पाए थे वो भैया लोग, तो मैं थोड़ी देर के लिए रुका था यहाँ पर, एक आधे घंटे के लिए। तो उतनी देर में मैंने सब्ज़ी बना दी, फिर आकर रोटी वगैरह बना के खा लेंगे। तो चलिए गाइस, अभी खाना भी बन गया है, अब मैं चलता हूँ अपने काम पर। वो पहले से चले गए, मैं बाद में जा रहा हूँ क्योंकि खाना नहीं बना था। तो गाइस, मैं अपना ताला और चाबी ढूंढ लेता हूँ। तो चलिए गाइस, अभी मैं गेट बंद कर लेता हूँ। तो गाइस, अभी मैं मस्त यहाँ पर पहुँच गया हूँ, और पहुँचते ही यहाँ पर अभी काम शुरू करेंगे। अभी काम शुरू नहीं हुआ था मगर अब चालू हो जाएगा। अंकल जी भी लगा रहे हैं, तो मैं भी अभी काम शुरू करूँगा। पापा जी भी उधर काम कर रहे हैं, और भाई लोग भी वहाँ पर, कोई फेंक रहा, कोई पापा जी को कुछ सामान दे रहा है, तो ऐसे ही काम चलेगा। तो गाइस, मस्त धूप भी निकली है और काफ़ी अच्छा आज लगेगा काम करके। चलिए गाइस, अभी काम कर लेते हैं। तो गाइस, अभी काम हो गया है और आपको काम दिखा देता हूँ। मैं आपको बता रहा था ना कि वो दीवार हो जाएगी इसके बराबर, अब देखो वो फाइनल होगी। तो अभी ये दीवार को करेंगे, ये भी फाइनल हो जाएगी शाम तक। तो काफ़ी काम हो गया है ये देखो। तो अभी एक बज गया, खाना खाने का समय हो गया। तो चलिए गाइस, अभी खाना खाने के लिए चलते हैं, सभी लोग जा रहे हैं। और देखो, काफ़ी बिल्डिंग अब अच्छी लगने लगी है। तो पापा भी जा रहे हैं और मैं भी चलता हूँ। तो गाइस, अभी खाना खाने के लिए जा रहे हैं, और रूम हमारा काफ़ी दूर है, और अभी रास्ते में ये देखो। और हमारे अंकल जी ने भी नए जूते पहने हैं। अंकल जी, ठंड में पहली बार पहने ना तुमने? हाँ, पहली बार पहने। वैसे चप्पल नहीं? मैंने चप्पल पहन रहा। चप्पल ही पहन देते? बताओ, पिछली बार भी इतनी ठंड थी, इन्होंने चप्पल पहन दी, जूते नहीं पहने। ओ हुआ, फैक्ट्री एरिया था जूतों का, तब नहीं पहने इन्होंने। तो गाइस, अभी मैं खाना पीना खाकर अभी नहाने के लिए जा रहा हूँ, और अभी खाना खाया, ये रही प्लेटें, और पानी भी देखो मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा था। और ये चिमटा है जो जिससे रोटी वगैरह वो करते हैं ना, सेकते हैं, फिर ये पेंसिल जिससे लिखते हैं, तो ये थोड़ा जुगाड़ करके रखा था। तो गाइस, अभी मैं नहा लेता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो गाइस, अभी मस्त मैंने नहा लिया है, और नहाने के बाद मैंने गेट भी बंद कर लिया जैसे कि आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ अब चलते हैं अपने काम पर। पापा जी भी फ़ोन करके पूछ रहे थे अभी आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। तो चलिए गाइस, अभी मैं चलता हूँ वहाँ पर। तो चलिए गाइस, अभी साइड पर पहुँच गया, और यहाँ से आपको दिखाता हूँ, मैं रोड पर खड़ा हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं, और पापा और अंकल ये दीवार कर रहे हैं। पापा तो कुछ और ही काम कर रहे हैं, ये अलग काम कर रहे हैं अंकल जी। तो मैं भी इसी पहाड़ पर चढ़कर काम करूंगा। तो गाइस, अभी देख रहे हैं ना, मैं रोड पे कर रहा हूँ, बाहर की साइड ये जो दीवार है ये काफ़ी ख़राब हो चुकी है, और इसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है। तो चलिए गाइस, ये भी इसकी मरम्मत हो जाएगी, तो ये भी एकदम नया हो जाएगा। तो चलिए गाइस, अभी पहुँचता हूँ मैं भी अपनी साइड पर, काम करेंगे। तो गाइस, ये अभी दोपहर से पहले पहले ये इतना काम हो गया है, ये दीवार फाइनल हो गई और वो हो गई। तो अभी गाइस, इस पे भी ये भी दीवार होने वाली है, बस शाम तक ये हो जाएगी, और साथ ही साथ ये इसमें इसमें माल पड़ जाएगा, जैसे कि ये बजरी वाला, कंकड़ वाला, तो ये भी शाम तक हो ही जाएगा मेरे हिसाब से। अंकल जी, हो जाएगा ना? बीम तो हो जाएगा दीवार पर, बीम हो जाएगा गाइस, ये बीम हो जाएगा ये वाला, और वो नहीं हो पाएगा, जितनी कोशिश कर सकते हैं उतना कर सकते हैं, मगर ये नहीं हो पाएगा। तो गाइस, ये हमारे गांव का माहौल कुछ इस तरह का है, और वो देखो कितने अच्छे पंछी लग रहे हैं गाइस। तो ठीक है, गांव काफ़ी बड़ा है ये वाला भी। तो चलिए गाइस, अभी देखो कितना काम हो गया है, नहीं तो पहले बिल्डिंग बहुत ही ख़राब हो गई थी, अब जैसे ये काम चलता है वैसे के वैसे काम ठीक होता रहता है। तो चलिए गाइस, ये पूरी आपको फाउंडेशन यहाँ की दिखा देते हैं, मतलब फाउंडेशन क्या, बाहर सब कुछ, अंदर बाहर का एरिया। तो ये वाली रोड है, और
सामने ये पूरी रोड है, मतलब ये रोड पता नहीं कहाँ जा रही है। और गाइस कोहरा भी देखो कितना हो रखा है, वो देखो वो जहाँ पर आपको दिख रहा है ना क्या बोल उसको टावर, वहाँ से देखो कितना कोहरा हो गया है। आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, वो खेत में कोई घूम रहे हैं। तो चलिए गाइस अभी जितना काम होता है वो आपको काम दिखा दिया जाएगा। तो चलिए गाइस ठीक है। तो गाइस काफ़ी टाइम हो गया अभी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि रात होगी और अभी भी काम चल रहा है हमारा। तो पापा भी अभी लगे पड़े हैं, तो अभी काम समाप्त हो जाएगा। तो गाइस आज इसका ये बीम डाल दिया है और उधर की जो दीवार है वो भी आधी तो हो गई है, ये कल कंप्लीट हो जाएगी। तो गाइस ये काफ़ी काम अभी तक हो गया है और दिसंबर तक कम से कम काफ़ी काम हो ही जाएगा। तो गाइस ऐसे ही काम चलता रहेगा और आपको भी दिखा दिया जाएगा। चलिए गाइस गाइस अभी घर पर आ गए और घर पर अभी खाना बन रहा है, और जैसे कि आपको दिखा देता हूँ ये भैया लोग खाना बना रहे हैं। ये कुछ तरह ये इस तरह का हमारा किचन है, काफ़ी वीडियो बनाए ना। तो जे देखो कहाँ आ रहे हैं, जे कहाँ जा रहे हैं बताओ, हैं हुआ जाओ तुम, जे कहाँ जाओ, चलो हुआ बताओ, कैमरे से छुप रहे हैं जे। तो गाइस ये हमारे पापा जी अंकल जी बहुत शर्माते हैं कैमरे से हमारे। मैं बना देता हूँ तो गाइस ये पता नहीं कैमरे से क्यों शर्माते हैं, समझ में नहीं आया। ये रे भैया इन्होंने खाना खा लिया है, खाना खा लिया। ये हमारे भैया जी जे रोटी बना रहे हैं, हेलो कर दो यार ऐसे वाला। अरे हेलो तुम्हें करो, अरे करो यार ये हमारा किचन है छोटा सा ऐसे। तो चलो अब ये खाना बना लेते हैं, अभी अंकल जी हंस रहे हैं देखो। तो गाइस हम भी खाना खा लेते हैं, खाना बन रहा है और गरम गरम खाना खा लेते हैं मैं और पापा, और ये लोग भी खाना खा लेते हैं। तो गाइस अभी खाना खाने के लिए जा रहा हूँ, खाने में है आलू और मटर और साथ में रोटी। तो चलिए गाइस अभी खाना खा लेते। तो गाइस खाना खा लिया और खाना खाते समय मुझे मेरी प्लेट में मच्छर दिखाई दिया, वो भी एक साइड में, मेरे को अभी दिखाता हूँ अच्छी तरह से। बेचने के लिए लगाओगे तो ये देखो ये रहा मच्छर जिंदा है, और मैंने खाना खा लिया तब जाके अभी दिखाई दिया थोड़ी देर में। अच्छा हुआ मैंने खाया नहीं, चम्मच के साथ खा रहा था और साथ ही साथ ये मुझे मच्छर दिखाई दिया। तो चलो कोई बात नहीं, अब इसको निकालते हैं। तो गाइस अभी खाना खाकर यहाँ पर अपनी छत पर घूम रहा हूँ, और जैसा कि आपको पता ही रोज की मैं रोज वॉक करता हूँ छत पर खाना खाकर। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो आपने देखा ही है कि मेरा रोज़ का ब्लॉग जो होता है मेरे काम पर ही होता है कि क्या काम करता हूँ, क्योंकि मैं कुछ जो भी करता हूँ शर्माता बिल्कुल नहीं और सब कुछ एकदम खुले में दिखा देता हूँ। तो मैं पहले ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था गाइस, मैं भी किसी को देख कर ही ना थोड़ा मुझे भी लगा कि मुझे भी ब्लॉग बनाना चाहिए। मेरा क्या है गाइस ब्लॉग बनाने से क्या मेरा आ जाएगा, तो हमें नेट तो वैसे बर्बाद करना होता है, कोई अच्छे काम है उसको यूज़ करें वो ठीक है। तो अभी ब्लॉग मैंने शुरू किया है, कम से कम मेरी तो 50 वीडियो तो लगभग हो गई है या होने वाली है ऐसी। तो गाइस ब्लॉग बनाकर भी ना बहुत अच्छा लगता है, बोलने का भी एक्सपीरियंस हो जाता है और मतलब फिर एकदम मूड भी फ्रेश रहता है कि क्या बोलना है, क्योंकि ये भी कैमरे के सामने बोलना है और ये पूरी जनता या पूरी पब्लिक देखती है, तो थोड़ा होशोहवास में बोलते हैं इससे काफ़ी चीज़ का कॉन्फिडेंस आ जाता है। अभी कैमरे के सामने बोलने का भी तरीका आ जाता है, मतलब सब कुछ हो जाता है। तो गाइस मेरा जो रोज़ का ब्लॉग होता है मेरे काम के ऊपर ही होता है। गाइस आपको अच्छा लगे या नहीं लगे वो तो मुझे पता नहीं, अच्छा लगे तो कमेंट में सही गुड बोल देना, और अच्छा ना लगे तो आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं गाइस। तो गाइस मेरा रोज़ का जो भी ब्लॉग होता है मेरे काम के ऊपर ही होता है, क्योंकि मेरे पास यही है ब्लॉगिंग करने के लिए, इसलिए मैंने ब्लॉग शुरू किया है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है तो काम तो है ना कि मैं लोगों को यही दिखा सकता हूँ। तो गाइस आपने देखा है कि मेरा जो भी काम देखो अभी कितना हो गया है। तो गाइस पहले की बिल्डिंग और अब की जो बिल्डिंग है वो आप देख सकते हैं ना कितनी अच्छी हो गई है। तो गाइस जो पहले बिल्डिंग थी वो एकदम बेकार थी, वो मतलब
2 साल और रखती तो ऊपर धड़ाम से नीचे गिर जाती, तो ऐसी बिल्डिंग थी। तो गाइस अभी जो बिल्डिंग है वो आपको पता ही है, मैं आपको रोज़ दिखाता हूँ। बिल्डिंग एकदम एक नंबर का काम उसमें हो रहा है, क्योंकि ये सरकारी काम है गाइस। हमें भी मतलब कोई भी चीज़ करने से हमें क्यों वो होना चाहिए, हम तो अपना घर समझ के अच्छा काम करते हैं गाइस। आपको रोज़ मैं दिखाई देता हूँ कि एक मिनट हाथ थक गया ना गाइस। तो चलिए गाइस आपको रोज़ दिखाई देता हूँ कि काम कैसा हो रहा है। तो गाइस अगर आपको मैं पहले वाली जो बिल्डिंग थी वो आप देख सकते हैं ना, मेरे फर्स्ट ब्लॉग में जो मैंने पहला ब्लॉग अपना शुरू किया है वो मैंने अपनी बिल्डिंग से शुरू किया है। आप उस ब्लॉग को देख सकते हैं कि वो काम कैसे वो काम क्या वो बिल्डिंग कैसी थी, और उसको और इस बिल्डिंग को आप खुद सोच सकते हैं धरती आसमान का फ़र्क है उसमें कि कैसा काम एकदम है। तो चलिए गाइस उसमें काफ़ी अभी समय लग जाएगा, क्योंकि हमें क्रिसमस पे घर पे जाना है। तो जो शायद हमारे साथ में जो भाई लोग हैं वो शायद काम करें या नहीं करें उनका तो पता नहीं, मगर ये पूरी बिल्डिंग ना नए साल के बाद ही हैप्पी न्यू ईयर के बाद ही ये कंप्लीट हो सकेगी, क्योंकि घर पे भी जाना है। 10 से 15 दिन हमारे घर पे लग जाएंगे, क्रिसमस देखना है, फिर न्यू ईयर आने वाला है उधर भी, तब भी घर पे रुकते हैं, फिर कुछ प्रोग्राम भी है फिर हमारे बीच में घर पे। तो चलिए गाइस वो बिल्डिंग है वो मतलब नए साल के बाद ही अच्छी बनेगी। तो जब बन जाएंगी ना तो गाइस वो आपको टूर दिखाऊंगा उसका। बिल्डिंग भी एकदम ज़बरदस्त बनेगी, टेंट पेंट उसमें ऐसी वैसी सब कुछ लगेगा गाइस। तो गाइस वीडियो काफ़ी लंबी होगी, वीडियो की यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छे लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।